हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। तो 13 अगस्त का मैं ये आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करा देता हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके आगे मेन्स के एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए, पाँचवा क्वेश्चन जो मेरा पेपर था वो 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का था। मैं ऐसे ही देने गया था, जीके में तो कुछ नहीं आए, और मैथ्स में मेरे 22 क्वेश्चन ठीक हैं, यानी कि 44 नंबर मेरे मैथ्स में हैं। देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8192 फॉर इतने इयर्स एट 15% पर एनम, इंटरेस्ट इज 5 मंथली। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट काफी बोदर करते हैं, तो मैं इसका बिल्कुल एक आसान सा ट्रिक आपको बताऊंगा। देखिए, 5 मंथ है तो पहले इसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, इतने ईयर आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास आ गया 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 25/4% विच इज इक्वल टू 1/16, क्योंकि 1/100 हो जाएगा, 25 × 100 1/16 आ गया। जो टाइम है वो आपको कितना दिया, 1 × 1/4 यानी कि 5/4, इसका अपोन कर दीजिए यानी 12/5, जो भी आपको मंथली का दिया ना उसका अपोन कर दीजिए, तो ये 3 ईयर आपके पास टाइम आ गया। ठीक है, आपके पास आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना है वो 25/4% बना है, तो प्रिंसिपल कितना है, 8192 दिया है। तो मैंने आपको गोले बताए थे इस तरीके से, 3 साल का कैसे निकालते हैं, 2 साल का, ये सारे जब आप सम करोगे तो वो आपके पास रिजल्ट आएगा। 8192 का 1/16 करिए, इन सब का 1/16 आपको करना है, इसका भी 1/16 और इसका भी 1/16। 8192 को 16 से डिवाइड करिए, 16 × 5 = 80, उसके बाद देखिए 16 × 1 = 16, और फिर कितना बचा, 3 × 16 = 32, 512, अगेन इसका 1/16 करिए, 32, और ये भी आपके पास आएगा 16 × 32, इन सबको जोड़ लीजिए, 512 × 3 = 36, और 5 × 3 = 15, 32 × 3 कितना होता है, 96, और 2 ये जोड़ लीजिए, 6 × 6 = 12 और 2 = 14, 9 × 3 = 12 और 1 = 13, 1634 आपका इस सवाल का आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम फ्रूट्स आर बोट एट 15 फॉर ₹140, यानी कि एक आइटम जो है वो ₹15 की है और 140 के खरीदे, तो और इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, मतलब जितने पहले उतने बाद में, वो फ्रूट ₹10 के हिसाब से, मतलब एक फ्रूट ₹10 का है और ₹120 के खरीदे, तो उन सारे फ्रूट्स को, जो टोटल फ्रूट्स हैं उनको डजन के हिसाब से, 12 फ्रूट 132 के हिसाब से उसने बेचे, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है ओवरऑल इंटायर ट्रांजैक्शन में क्या होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, या तो आप क्या करो, जो भी क्वांटिटी है उसको इक्वल करो, या फिर उन सबको सिंगल सिंगल क्वांटिटी ले लो और फिर सोल्व करो। मैं सिंगल क्वांटिटी लेता हूँ ताकि आसान हो जाएगा। अब देखिए, 15 जो है वो 140 के हिसाब से खरीदे, 140 / 15, ठीक है, ये कितना होगा आपका, इसको मैं काट लेता हूँ, ये 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, अपॉन 3, 5 पे गया ये, और यहाँ पे है 10/120, यानी कि सीधा सीधा ₹12 के, तो इन सबको ऐड कर लो, 28/3 + 12, अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये 28 + 36 / 3, ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 64/3। तो अभी अब जो ये तो आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट 132 पर डजन, यानी 132/12 विच इज इक्वल टू 11, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक आइटम का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो ₹11 के हिसाब से बेचा है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन में ट्रिक था, देखिए, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, यहाँ पे ये जो आइटम है ये 2 आइटम है, क्योंकि एक तो यहाँ पे आइटम होगी जो उसने खरीदी है, एक यहाँ पे, तो देयर आर द 2 आइटम, तो जो बेच रहे हो तो वो भी आप 2 फ्रूट्स ही बेचोगे, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आप 11 लिख रहे थे उसको आप डबल कर दो 22, बिकॉज वी हैव 2 आइटम्स, 64/3, तो यहाँ पे जब आप करोगे तो ये 64/ ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, तो ये आपके पास आ गया 22 / 66,
ठीक है। तो अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा है कितना, 2/64 × 100, तो ये 1/32 आ गया, ठीक है। और ये इसको काटोगे तो आप कितना आएगा 50, ये आ गया आपका 16, और ये आएगा 25, और ये आएगा आपका 8। तो ये 25/8 आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। कह रहे हैं कि साइड ए बी सी ऑफ एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो हमारे पास वी हैव अ सर्कल, राइट, एंड वी हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ए बी सी डी, मैं बना देता हूँ ए बी सी डी। तो इन्होंने कहा है कि साइड जो ए बी है वो प्रोड्यूस की गई है और डी सी प्रोड्यूस की है टू मीट एट ई, ई पे मीट करते हैं। इसी तरह से साइड ए डी और बी सी प्रोड्यूस किया, देखिए ए डी का मतलब होता है ए से लेके डी तक प्रोड्यूस की हुई है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ए डी प्रोड्यूस की गई है और इसी तरह से बी सी प्रोड्यूस की गई है, ठीक है। साइड बी सी प्रोड्यूस की गई है, दे आर प्रोड्यूस्ड मीट एट एफ, सॉरी ये एफ है, ये एफ है। अब आगे देखिएगा ए डी सी जो है वो आपका 78 है, तो आपको और क्या दिया है, आपको बी ई सी, बी ई सी ये 52 दिया है। तो आपको बताना क्या है, ए एफ बी आपको बताना है, यू हैव टू टेल द एंगल ए एफ बी। देखिए थोड़ा सा ये ना स्ट्रेट है, एक्चुअली ये पूरी लाइन जो आपकी है ये स्ट्रेट है, ये लाइन मैं दोबारा बना देता हूँ। हाँ जी, तो ये फिगर है, इसमें देख लीजिए आप, तो यहां से ये फिगर देख लीजिए आप, ये 58 है, तो आपको ए एफ बी एंगल बताना है, यू हैव टू फाइंड ए एफ बी। सो आपके सामने ये 58 दिया हुआ है, ये 52 दिया हुआ है, और ए बी सी डी आपके पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 58 है, तो ये 180 - 58 कितना हो गया, 10 में से 8 गए, तो सॉरी एक करेक्शन कर लीजिए आप, ये 78 है, ये 78 है, तो ये 78 हो गया, 10 में से 8 गया, 2 102, तो ये आपका हो गया 102। तो ये 102 है, तो ये आपका एंगल निकल जाएगा, कैसे, इन दोनों का सम आपका 102 होना चाहिए, तो 102 - 52 50, तो ये आपका 50 हो गया। ये लीनियर पेयर से आपका ये वाला एंगल निकल आएगा, ये कितना आएगा, 130, ये 130 निकल आया, ये 130 है, तो ये कितना होगा, 50। तो अब ये आपका ए एफ बी ट्राइंगल जिसमें एक 50 का एक 102 का है, तो ये ओवरऑल कितना हो गया आपका, 102 और 50, 152, तो 180 - 152 28 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो गया 28 डिग्री, तो ये आपका हो गया 28 डिग्री। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक 5 डिजिट नंबर है इतना, तो 3/7/11 से डिविजिबल होता है, तो इसकी वैल्यू, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये मत करने बैठ जाइएगा कि 3 से डिवाइड करने पे सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3, 7, 11, नो, इस तरीके से नहीं करना, आपको सीधा इसका एलसीएम लेना है, 7 या 21 गुना 11 कितना आ गया आपका,
231, ठीक है। सो 231 को इससे डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए ये कितने पे कटता है, 3 पे कटता है ये, 693 नहीं कटता 3 पे, 2 पे जाएगा। तो 2 पे जब जाएगा तो ये कितना आएगा, 2 23 दुनी 46। तो एक डिजिट और आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम आपका कितना आ सकता है, ये 7 करें हम, 8 करें या 9 करते हैं, 9 तिया 27, 9 दुनिया 18 और 2 20, तो 2079 आपका ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं x को चाहे अप्रोक्सीमेटली 9 भी ले लूँ, मैक्सिमम डिजिट भी ले लूँ, तो मेरा ये नंबर कितना आएगा, 07, और ये आपका y। तो ये ना पूरा कटना चाहिए, डिविजिबल है, तो ये ऐसे कौन से नंबर पे कटता है, 4 करें तो 8 तक चला जाता है, 3 करें तो 3 दुनी 6, आप इसको 0 लीजिए, तो जब आप इसको 0 लेते हो 10 में से 9 गया 1, 13 में 7 गया 6, 61 आता है आपका। चलिए जी 61 कर लिया मैंने, तो क्या 613 कटता है, ये 3 3 3 9 6 9 3, ठीक है 693, तो ये बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। तो क्योंकि 213 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 दुनिया 8 और 1 9, तो ये 9 तक डिजिट जाता है, तो 693 तो कटेगा ही। तो ये y आपका 3 आ गया और ये 9 होना चाहिए, तो ये 9 होने के लिए आपका ये कितना होगा, ये आपका होगा 8, 18 में से 9 गया 9 और यहाँ पे आ गया 13, 13 में 7 गया 6, यानी कि ये आपका 8 होगा और ये आपका होगा 3, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो कभी आप मार नहीं खाओगे। तो 3 × 8 − 5 × 3 = 24 − 15 = 9। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी, तो ए की इनकम 45% ज्यादा, बी की 100 मान लेता हूँ, ए की कितनी है 40% ज्यादा है, सी की जो इनकम है वो 60% कम है, टू द सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम 245 है, तो उससे 60% कम है, सी की इनकम 60% कम होने का मतलब एक्चुअल में कितनी है, वो उसकी 40% है। तो ये काट लीजिए, आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 5, तो ये आप काटोगे तो 5 × 20, 5 × 45, ये कितना आ गया 98, और जो डी है वो सी से 20% ज़्यादा है, यानी कि 98 का 120% विच इज़ इक्वल टू, ये 6 है और ये 5 है, तो ये आपका आ गया 98 × 6। अब 5 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी और डी का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो आपको 1 3 2 0 0 दिया हुआ है, तो डिफरेंस आप निकाल दीजिए बी और डी का दिया हुआ है, बी और डी का, तो ये आपका कितना हो गया 500 और ये कितना हो गया 6 8 48, 6 में 54 और 4 58, तो ये 88 हो गया, 88 की वैल्यू आपको दी हुई है 1 3 2 0 0, इसको 11 से काटो, 11 8 88 और ये 11 1 11 11 2 22, 1200 आ गया, और काटिए इसको, ये 2 पे और ये 8 पे काटिए, 8 1 8 8 5 15 8 120 होता है, 150 आ गया, यानी 1 की वैल्यू आपकी आ गई 150। तो आपको बताना है सी की इनकम, सी कितना है 5 × 98 × 150, यानी कि ये कितना आएगा आपका 750 × 98, ठीक है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 98 को 75 से गुना करिए, ये दूसरे तरीके से हो जाएगा, आपको अगर दो डिजिट की मल्टीप्लाई आती है, 8 5 40, 4 आ गया, 9 5 45 और 4 49,
8 7 56 49 56 9 6 15 4 5 9 1 10 9 7 63 1 9 मिनट। तो इसकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा 8 5 40 9 5 45 4 49 गुणा 8 7 56 9 7 63 5 69 इन सबको जोड़ लीजिएगा 5 735 ये आपका आंसर आ गया। एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो अक्सर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए द एवरेज ऑफ 28 नंबर इज 77, पहले 14 का 74 है और लास्ट के 15 का 84 है, अगर 14वें नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो रिमेनिंग का एवरेज क्या होगा। ठीक है, 28 नंबर का एवरेज 77 है, मतलब 28 नंबर को 77 मिले, सबको 77 मिले होंगे 28 नंबरों को। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब 14 नंबर का एवरेज जो है 74 है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। देखिए कितना एक्स्ट्रा कितना कम है, 3 कम है, तो 14 × 3 = 42 माइनस के 42। उसके बाद देखिए 15 नंबर का 84 है, कितना एक्स्ट्रा है 77 से, 7 एक्स्ट्रा है कितने है 15 7 105, तो 105 में से जब आप 42 घटाओगे तो ये आपके पास आएगा 63। तो अब रिमेनिंग नंबर 14वां इंक्लूड कर दिया, रिमेनिंग नंबर कितने बच गए, 27 बच गए, ये कितना आएगा 27 × 54 और 27 81, तो 27 × 54 टू पॉइंट समथिंग आएगा, तो 27 × 54 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 13 में से 4 गए 9 और 90 27 81, तो 2.3 आएगा। तो जो आपका नंबर है 77 इसमें से 2.3 माइनस कर दीजिए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका था इसका। अब थोड़ा सा मैं एक बार आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया देख लीजिए ट्रिक इसका। सपोज करो मेरे पास 3 नंबर है, उनका एवरेज है आपका 12, तो 12 12 12 इस तरह से असाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ तोड़ मरोड़ के, सपोज करो इसको मैं 3 एक्स्ट्रा दे दूँ, इसको मैं 3 एक्स्ट्रा दे दूँ, तो इसमें मैं 6 कम कर दूंगा, ये इनका एवरेज भी आपका 12 ही रहेगा। अगर मैं एक नंबर निकाल दूँ, सपोज करो मैं ये नंबर निकाल दूँ, तो अभी इनका एवरेज कितना आएगा 15 और 6 21 अपॉन 2 10.5 ये आएगा। अब ये मैं बड़ी संख्या के लिए कैसे कर सकता था, अब यहाँ पे 15 था तो ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा था, 3 एक्स्ट्रा था, अब मेरे को क्या करना है, वो 3 कम करना है। ठीक है, ये 15 निकालना है, मतलब एक तो 12 यही निकाल दिया और एक मैंने 3 और निकाल दिया, तो ये आपका अब 2 नंबर हैं तो दोनों में से मैं क्या करूँगा, इक्वली डिवाइड करूँगा ना, दोनों में से मेरे को आधा आधा निकालना पड़ेगा अगर मैं 2 नंबरों में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आपका आ गया 10.5, ये आपका आ गया 10.5। वही सेम चीज़ जो है मैंने यहाँ पे की थी, ऐसे 77 77 77 आपके क्या थे नंबर थे। ठीक है, उसमें से कहा है कि 14वां नंबर एक्स्ट्रा आपके पास कितने थे, कितने वो थे एक्स्ट्रा, अब मैंने आपको बताया 63 एक्स्ट्रा थे, अब यही आपको क्या करने थे, यही आपको डिवाइड करने थे एक्स्ट्रा, तो मैंने जो डिवाइड, अब कितने बचे हैं टोटल 27 बचे हैं, तो टोटल 27 करके मेरे पास आ गया 2.3, तो बस ये 2.3 मैंने सभी में से माइनस करना था, वही सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई। एक और देखिए क्वेश्चन, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इस तरह का ये फॉर्मूला होता है, एरिया आपको दे दिया, ठीक है, 144 / 49 का रेशो, तो आपको साइड का रेशो का स्क्वायर होता है, मतलब जो एरिया होता है इनका साइड का रेशो, साइड का रेशो क्या है, ये वाली ट्रायंगल देखिएगा, ये मत देखिएगा वरना गलत हो गया, मोस्टली स्टूडेंट के यहाँ से देख के सिमिलरिटी गलत हो गया, तो आपको PR बतानी थी, तो आपको AC और ये PR बतानी थी, तो AC आपकी कितनी है 9/PR इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लीजिए, ये आपके पास 12 आ जाएगा और ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए ये 7 आ जाएगा, तो ये 9 है, ये PR है, ये 3 × 12 3 × 9, तो PR आपके पास आ गई 21/4, ओके ये आपके पास आ गई।
और क्वेश्चन देखिए बार ग्राफ का है, जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि टफ आया था। तो देखिए जुलाई 2018 में, जुलाई 2018 में द सेल ऑफ कार ऑफ डीलर डी की वो सेम परसेंटेज इंक्रीज होती है जैसे कि जून 2018 में इंक्रीज होती है ओवर इट्स प्रीवियस मंथ। ठीक है ठीक है, जैसे पिछले मंथ में इंक्रीज हुई होगी, पिछले मंथ में मतलब 600 से 780 हुई, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना 180 डिवाइड बाय 600 × 100, सीधा सीधा 30% इंक्रीज हुआ। तो अभी जुलाई में कितना इंक्रीज होगा, कह रहे हैं उसी सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है, तो 780 का 130% कर लीजिए, वही आपका क्या आएगा आंसर, 78 × 13, 8 × 24। क्या किसी में चार है, किसी में चार नहीं है, एक में ही चार है, पूरा मल्टीप्लाई करना है पूरा कर लीजिए, मर्जी आपकी है। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी काफी इजी सा ही क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। कह रहे हैं कि रोम्बस के बारे में तो एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि इसके जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर एक साइड आपकी 13 है, एक डायगोनल आपका 12 है, तो ये आपका 5 होगा, ये आपका 5 होगा, ठीक है, और बाइसेक्ट करते हैं। और एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या था, हाफ इंटू D1 × D2। तो हाफ इंटू डायगनल, एक 24 है, एक डायगनल 10 है, 24 × 5 = 120, ये आंसर हो गया। 14th क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तर्ज पर है जो अभी प्रॉपर्टी आपको बताई है। क्वेश्चन 13 बहुत ही ज़्यादा इजी, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए x³ + 1/x³ इसकी मल्टीप्लाई x² + 1/x² से कर दीजिए। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये x³ की इससे करोगे तो x5 प्लस ये ऊपर x बच गया, फिर इसकी इससे करोगे तो ये 1/x बच गया प्लस 1/x 5 बच गया। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। ये मैं x मान लेता हूँ, ये मैं y मान लेता हूँ। देखिए 4³ = x + 3ab × a + b विच इज इक्वल टू 4, 64 − 12 = x, तो ये 52 आ गया। ऐसे इसकी निकालनी है x² + 1/x² की, 4² − 2 विच इज इक्वल टू 14, तो 52 × 14 माइनस के, अब ये इधर 4 ले जाइए, ये कितना आ गया, 14 × 5 = 70 एंड 14 × 28 = 14, 728 में से 4 गए 724। 12वां क्वेश्चन मेरे को सबसे ज़्यादा इजी लगा। देखिए इन द टेबल प्रोडक्शन एंड सेल आपको दी हुई है, तो कौन से साल में सेल जो है 90% प्रोडक्शन से ज़्यादा है, टोटल नहीं बोला, स्टूडेंट टोटल निकालने लग गए थे इस वजह से बोल रहे थे कि लेंथी है जब मैंने उस टाइम पे रिव्यू लिया था। तो इन्होंने इंडिविजुअल इंडिविजुअल का बोला है कि सेल जो है वो प्रोडक्शन से 90% ज़्यादा है। पहला देखिए प्रोडक्शन है 1250, 90% करिए आप इसका 10% कर लीजिए, 125 आएगा, 1250 में से 125 गया, कितना आएगा, 125 गया, ये 1125 आ गया। ठीक है, अब सेल इससे ज़्यादा है डेफिनेट, क्या जो सेल है वो इससे ज़्यादा है, नहीं है, तो पहला नहीं हो गया। दूसरा 1400 का 10% 140, तो 140 में से आप 1400 में से 140 घटा दीजिए, 100 घटा दीजिए 1300 और 40 घटा दीजिए 1260 आएगा, तो यहाँ पे सेल ज़्यादा है, डेफिनेटली सेल ज़्यादा हो रही है, तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, 2016 तो आना चाहिए, तीसरा भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे हम 17 और 18 के लिए देखते हैं, सबसे पहले हम 18 के लिए देखते हैं। ठीक है, 18 के लिए 1500 है, 1500 का 10% 150 हो गया, तो ये आपका 1350 हो गया, तो 1350 ये प्रोडक्शन है और सेल कितनी है 1450, तो ये तो इससे ज़्यादा है, तो ये भी हो गया, तो ये नहीं है, ये नहीं है, 16 और 18 इस सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये a³ - b³ का फार्मूला, मैं लिख देता हूँ a - b
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। जब भी आप इन साइंस में कन्फ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं, अगर ये माइनस है तो फर्स्ट टर्म माइनस का होगा, क्योंकि ए माइनस बी क्यूब मिलके ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शुरुआत होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ठीक है, वही सेम चीज़ आगे यहाँ पे जस्ट एक्सपेंड की हुई है और कुछ नहीं कर रखा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए हो गया आपके पास और बी हो गया आपके पास तीन एक्स माइनस वाई। ठीक है, कर लोगे तो ए माइनस बी आपका पहले देख लीजिए कितना है, टू एक्स प्लस टू वाई, टू एक्स माइनस थ्री वाई डेट इज माइनस एक्स, टू वाई माइनस माइनस प्लस थ्री वाई फाइव वाई, फाइव वाई माइनस एक्स, तो ये आ गया। अब अंदर का खोल लीजिए आप। ठीक है, तो फोर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी, नाइन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद देखिए ए बी, ए बी कितना है, तीन दूनी छः एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ पे देखिए फोर और नाइन तेरह और छः अठारह, अठारह एक्स स्क्वेयर प्लस फोर और नाइन तेरह, तेरह में से छः गए, तेरह में से छः गए कितना होता है सात वाई स्क्वेयर। सी कितना है देखिए आठ और यहाँ पे कितना है माइनस के अठारह, माइनस टेन हो गया और यहाँ पे सी हो गया माइनस टेन। तो ए प्लस बी अठारह और सात पच्चीस, सॉरी यहाँ पे दो मिनट, ये चार है और ये कितना है नौ, नौ चार तेरह, तेरह में से छः गए नौ होता है, सात होता है। ठीक है, ये मैंने पहला गलत लिख दिया था, चार और नौ तेरह और छः उन्नीस होता है, नाइनटीन प्लस सेवन माइनस के टेन एक्स वाई। ठीक है, तो टोटल आपका आ गया 19 और सात छब्बीस माइनस माइनस टेन विच इज इक्वल टू 36। टेंथ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए शॉपकीपर 21% प्रॉफिट अर्न करता है बाय सेलिंग अ बुक 21% डिस्काउंट पे। देखिए 21% प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 की चीज़ 121 में बेची होगी, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में दे दे तो बात अलग होती, कॉस्ट प्राइस हो जाता 100 माइनस डी और मार्क प्राइस हो जाता आपके पास 100 प्लस प्रॉफिट, ये कुछ आपका फॉर्मूला रहता अगर देता। नाइन देखिएगा, एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड 19, 28, 55, 91। देखिए इसमें पता कैसे निकलेगा, ये 9 हो गया और इसका डिफरेंस निकालिए, 91 में से 55 गए, 11 में से 5 गए 6, 8 में से 5 गए 3, इसका रेशो 1:4 आ गया। अब देखिए 1:4 आ गया, 1 की जो मल्टीप्लाई है वो आपको करनी है 55 से और 4 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 4 से, तो 76 माइनस 55 21, 21 डिवाइड बाय एक, चार में से एक गया तीन, तो ये सात आंसर आ गया। इस तरीके से करना होता है ये, अदरवाइज आप इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हैं, 19 में सब में से 5-5 घटा के फिर रेशो चेक करिए, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, 60 और 30 में से एक वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ इसमें आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर ये आपको ऐड करने थे और ये आपको ऐड करने थे, ये मैं थोड़ा सा लेंथी मान सकता हूँ, सो ये स्किप मैं करके आया था। क्वेश्चन नंबर 6 तो आसान ही है, ठीक है,
कॉर्ड आपको 21 सेंटीमीटर लॉन्ग दी हुई है, डायमीटर 25 है, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये 21 बाय 2 हो गया, और ये रेडियस डायमीटर 25 बटा 2, ठीक है, तो 25 625 हो गया और 21 का 441 हो गया, 12 में 4 गया 8 और 5 में 4 गया 100, और नीचे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक चौक 16 और 4 ठीक है 24, तो अंडर रूट 46 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पी एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं, एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं, पी और क्यू जो है उनको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको बताना है। देखिए ये सबका डिस्टेंस डी 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 है, तो इन्होंने कहा है कि टाइम रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई, तो टाइम टेकन बाय अ बोट एक्स से क्यू जाने में जो टाइम लगता है, टाइम निकाल लेते हैं हम 2D ओवर में। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइम टेकन बाय अ बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू, तो ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है और इधर आपकी बोट जा रही है, तो आर प्लस बी हो गया अपॉन में वाई से क्यू जाने में, वाई से क्यू जाने में। अब वाई से क्यू तो आप जा रहे हो ना, तो मतलब बोट तो उधर जा रही है, तो बोट तभी सरकेगी ना जब बोट की स्पीड रिवर से ज़्यादा होगी, तो ये आपका डी ओवर में बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, बी माइनस आर। ये रेशियो आपको दिया हुआ है 4/5, बस यही तो आपको सॉल्व करना था, तो ये आपका 2 × b − r ओवर में बी प्लस आर इज इक्वल टू 4/5, ये 10 आ गया, 10b − 10r इज इक्वल टू 4b + 4r, ये आपका आ गया 7b और ये आपका आ गया 4 ये एक्चुअली आ गया आपका 10 में से 4 गया 6 और ये इधर आ गया 14r, ये आ गया 7 और ये आ गया 3, यानी कि b ओवर में r का रेशो आ गया आपका 7:3। अभी ये रेशो आपका आ गया 7:3, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जाने में b प्लस r होता है 7 × 3 = 10 ओवर में रिवर की करंट, रिवर की करंट डेट इज आर। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप रिवर से आर और बोट से बी करोगे, रिवर की करंट कितनी है, 3 है भाई, तो 10 ओवर में 3। अगर आपको डाउन स्ट्रीम ओवर अपस्ट्रीम देता तो डाउन स्ट्रीम हो गया आपका 7 × 3 = 10 और अपस्ट्रीम हो गया आपका 4, तो ये आपका हो गया 5:2। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ये थर्ड आप कर लेना, सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ए और बी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं और बी जो है वो पहले काम स्टार्ट करता है, और टोटल काम जो है वो आपका 11 सही 1/3 डेज में कंप्लीट होता है, बी ए बी ए बी ए बी ए, तो ये मैक्सिमम डेज में काम करेगा, तो यानी बी 6 दिन काम करता है और ए जो आपका करता है वो 5 सही 1/3 यानी कि 16 सही 1/3 दिन में काम करता है, सॉरी 16/3, तो बी और ए ये 6 दिन करता है और ये 16/3 दिन में काम करता है। अब इन्होंने कहा है कि ए अकेला 24 दिन में काम करता है, तो इसको करने का तरीका वही है, बी ने लिए हैं 6 दिन और इसने लिए हैं 16/3 दिन, ठीक है 16/3 दिन लिए हैं। इन्होंने कहा है कि ए अकेला 24 दिन में करता है, तो अगर वो 24 दिन में करता है तो कितना 16/3 दिन में, यानी कि उसने कितना काम कंप्लीट किया होगा, 24/16/3,
ये आपका आ गया 8 या 24, 8 दूनी 16, 9/2, यानी कि इसने 2/9 काम किया होगा। तो इसने कितना किया होगा, 7/9 काम किया होगा। तो इसका 6 दिन का काम निकाल लीजिए और 7/9 पार्ट निकालना है, वो कितने दिन में करेगा। तो 9/7 हो गया, तो ये टोटल आ गया आपका 6 डेज। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और ये भी आसानी आपका नंबर 1। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।